नेक्स्ट आम सॉल्व करिबा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दला गिवन 15 cot a = 8 फाइंड sin a एंड sec a। तो हम कोन करिबा फर्स्ट गुटे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर देबा। तो वर्तमान हम पाखरे हे गेला गुटे राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल रो नाम दे देबा a b c, राइट एंगल हे गेला b। तो इटे हम फर्स्ट कोन लिख देबा, लेट्स कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। तो नेक्स्ट हमें कौन करिबा, तो क्वेश्चन दे दीजिए कौन, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो लिख देबा 15 cot a इज इक्वल टू 8। केमिति जानिलु ना एटा क्वेश्चन रे देछि गिवन, इंप्लाइज दैट cot a इज इक्वल टू इजबो 8/15, 15 एपडे मल्टीप्लाई हेतला एपडे ले 8 सहित डिवाइड इजबो, ताको हम इक्वेशन 1 दे देबा। तापर हम कोन करबा, जो राइट एंगल ट्रायंगल नीचे हम एबीसी एटी कोन करबा, एटी cot a रो वैल्यू काढबा। तो cot रो अर्थ कोन, cot रो अर्थ होची सब बेले b बाय p। तो जदि हम a रो cot काढबा, a रो दुईटा एडजेसेंट साइड रहला, गोटी होला ac आ गोटी होला ab। तो हाइपोटेन्यूज तो केबे राइट एंगल ट्रायंगल रे चेंज होबो नै, आ जो साइड रहला ab एटा हे जिवो हमरो बेस, आउ BC हे जीवो परपेंडिकुलर। तो जदि हमें लिखले cot a इज इक्वल टू b बाय p, तो b बेस हे गला ab आउ परपेंडिकुलर हे गला BC। तो ab बाय BC रो वैल्यू केते आसी हमरा 8/15, तो एट पकाय देबा 8/15 लिख देबा फ्रॉम 1। तो आम पाखरे एटी देखो जे एबी रो वैल्यू आसची, बीसी रो वैल्यू आसची, एबी रो वैल्यू आसची 8 एवं बीसी रो वैल्यू आसची 15। तो आम पाखरे हाइपोटेन्यूज रो वैल्यू, एसी रो वैल्यू नाही, तो आम फर्स्ट कोन करबा एसी रो वैल्यू काढि देबा। तो सेति पे हमको लिखिया पडिबो, लेट एबी इज इक्वल टू, डायरेक्ट केबे 8 लिखा जाय नै, एबोली लिखिबा 8k एंड बीसी इज इक्वल टू 15k, ब्रैकेट रे लिखि देबा होयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एतिक लिख सरला परे नेक्स्ट टाइम लिखिबा इन राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एसी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, एसी रो जदि हम वैल्यू काढबा रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो एटी बी अछि एबी, एबी रो स्क्वायर प्लस बीसी अच्छी पी, तो एबी रो स्क्वायर प्लस बीसी रो स्क्वायर। तो एबी जगह हम एबी रो वैल्यू पकाई देबा, एबी रो वैल्यू होला 8k, 8k रो स्क्वायर प्लस बीसी होला 15k। एट के रो स्क्वायर है गला 64k स्क्वायर प्लस 15k रो स्क्वायर है ला 225k स्क्वायर रो रूट ओवर 64 प्लस 225 है गला 289, बट है गला 289k स्क्वायर इज इक्वल टू 289 रो रूट ओवर है गला 17k स्क्वायर रो रूट ओवर है गला k। तो हम पकरे वर्तमान एसी रो वैल्यू पळे आसीला, AC इज इक्वल टू 17k।
ए बी रो वैल्यू आगु हम फाइंड करथले 8 के बी सी रो वैल्यू आगु हम फाइंड करथले 15 के तबे नेक्स्ट हमें क्वेश्चन रे जा दिछि फाइंड साइन ए एंड सेक ए तो हमें कोन करबा बे साइन ए आ सेक ए रो वैल्यू फाइंड करबा तो फर्स्ट हमें साइन ए रो वैल्यू फाइंड करबा साइन रो अर्थ कोन पी बाय एच तमे ट्रायंगल रे देखि देबा हमरो परपेंडिकुलर होउछि कोडा परपेंडिकुलर होउछि बीसी आ एच होउछि एसी तो एटी साइन ए जीव बीसी बाय एसी तले बीसी रो वैल्यू केते अछि बीसी रो वैल्यू अछि 15 के आ एसी रो वैल्यू अछि हम एटी फाइंड कोलु 17 के को के कटी गला आ रहला हम पाखरे 15 बाय 17 नेक्स्ट हम फाइंड करबा सेक ए सेक रो अर्थ कोन होछि हाइपोटेन्स अपॉन बेस त हम एबे ट्रायंगल देखिबा ट्रायंगल ले हाइपोटेन्स आ बेस कोन होछि हाइपोटेन्स होछि एसी आ बेस होछि एबी तो सेक एर अर्थ एटी जीव एसी अपन एबी तो एसी रो वैल्यू हमें एटी फाइंड करचु 17 के डिवाइडेड बाय एबी रो वैल्यू अछि 8 के तो एटी के को के कटी गले आ हम पाकर रहला 17 बाय 8 तो एटी हम लिखि दबा साइन ए इज इक्वल टू 15 बाय 17 एंड sec a is equal to 17 by 8 next time solve kariba question number 5 dela given sec theta is equal to 13 by 12 calculate all other trigonometric ratios taku solve kariba mehle ame gote right angle triangle draw karnaba abc right angle at b to eti ame likhi deba modhya consider a right angle triangle right angle at b tam kati question re given dela kono sec theta is equal to 13 by 12 to etu major c ku theta ni jauchi to eti ame question re ja dei chi se likhi deba sec ro artha kono h upon b h by b तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आम देखा ये यार परपेंडिकुलर आ बेस कौटा हाँ फास्ट आम देखने तो ये जदि सी को जदि थीटा नेली सी एडजेसेंट साइड हूँ बी सी आ गए हूँ एसी तो हाइपोटेन्स तो कौन परिवर्तन हम ना तो बेस बी सी आ परपेंडिकुलर एबी तो ये जी दे सेक थीटार अर्थ हूँ एच बाय बी एच एटीगला एसी आउ बेस होगा BC आउ sec थीटा रो वैल्यू दे छि 13 बाय 12 तो एटी हम पकाई देबा 13 बाय 12 त हमर एटी AC रो वैल्यू अछि BC रो वैल्यू अछि किंतु हम पकरे एटी AB रो वैल्यू नै तो AB रो वैल्यू हम एटी फाइंड करबा तो AB रो वैल्यू फाइंड करबा भले हम केट लिखिया पडिबो लेट AC इज इक्वल टू डायरेक्ट केबे 13 लिखा जाय नै हम लिखि देबा 13 के एंड BC is equal to 12K अब ब्रैकेट रे लिख देबा वेयर K इज ए पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर लिख देबा नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए बी रो वैल्यू जदि हम फाइंड करबा या कोन हे जीवो रूट ओवर ऑफ ए सी रो स्क्वायर माइनस बी सी रो स्क्वायर तो ए सी जगह रे ए सी रो वैल्यू पकाई देबा ए सी रो वैल्यू होची 13 के रो स्क्वायर माइनस
13 के स्क्वायर 169 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर। तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर। यदि 25 के स्क्वायर रा हमें रूट फाइंड करिबा 25 रा रूट ओवर 5 के स्क्वायर रा रूट ओवर के। तो हम पाखरे वर्तमान ए बी रो वैल्यू पळे आसीला 5 के। यहाँ पर हमें कौन करि परिबा ए बी रो मूल्य 5 के आसला पर हमें समस्त ट्रिग्नोमेट्रिक जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रही छे आपको हमें अति सहज रे फाइंड कर दे परिबा। तो हमें गोटे काढ़ीचू sec थीटा जोटा थिला h by b इज इक्वल टू ac by bc इज इक्वल टू 13 by 12। एबे sec रो ऑपोजिट नै जिबा, sec रो ऑपोजिट कोन हम, sec रो ऑपोजिट होउची cos थीटा कोन b by h। तो sec रो उल्टा ए जिवो bc by ac इज इक्वल टू bc रो वैल्यू हम पाखरे अछि 12 के डिवाइडेड बाय एसी रो वैल्यू होची 13 के। के को के कटि गला आ हम पाकर रहला 12 बाय 13। त हम नेक्स्ट कोन करिबा साइन थीटा काढ देबा। साइन रो अर्थ कोन पी बाय एच। एठी ए ट्रायंगल रे हम एठी देखिबा पी होची एबी आ एच होची एसी। एठी हम पकाई देबा एबी बाय एसी। तो एबी रे वैल्यू हम एठी फाइंड करचू 5 के आ हाइपोटेन्यूस होची एसी होची 13 के। के को के कटिगला आम पाखे रहला 5 by 13। तो साइन रो ठीक अपोजिट होची कोसेक थीटा है जीवो एच अपन पी। एच एटी होची एसी और पी होची एबी। तो एसी रो वैल्यू होची 13 के और एबी रो वैल्यू होची 5 के। के को के कटि गले हम पाकर रहला 13 बाय 5। नेक्स्ट हम पाकर रहला 10 थीटा। 10 रो अर्थ होची पी बाय बी। एटी पी होची एबी आउ बेस होची बीसी। तेरे जो एबी बाय बीसी एबी जगह रे एबी रो वैल्यू पकाई देबा 5 के डिवाइडेड बाय बीसी जगह रे बीसी रो वैल्यू पकाई देबा 12 के। के को के कटि गले हम पाकर रहला 5 बाय 12। आ गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहला लास्ट कॉट थीटा। तो यह हूँ 10 रो अपोजिट बी अपन पी। यह जीव बी सी बाय ए बी। तो बी सी रो वैल्यू हूँ 12 के आओ ए बी रो वैल्यू हूँ 5 के। के को के कटि गले आम पाखे रहला 12 बाय 5। तो यहपरी भाव में आम कौन कले प्रश्न रे समस्त ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रो वैल्यू आम फाइंड कर देले। नेक्स्ट हमें सॉल्व करिबा क्वेश्चन नंबर 6 देला इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ताकु मध्ये सॉल्व करिबा पे हमें कोन करिबा फर्स्ट ओटे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर नबा। तो हम पकरे ओटे राइट एंगल ट्रायंगल हमें ड्रॉ कर देलु। ड्रॉ कला परे यार नाम मध्ये दे देबा। एटी जिंस देखिया पडिबो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। तो एटा जदि हमें राइट एंगल नबा त
तो इक्यूट एंगेल कोटा ही थी 90 डिग्री रु कम ए दुटा एंगेल ही थी तो ए दुटा एंगेल मध्य आ जे कोनोसी को आमे ए आ बी नाम रे नामित करि परबा आ एटी सी हे जीवो राइट एंगेल ए भली चित्र टी भली होबो नले भूल ही जीवो तो एटी क्वेश्चन रे आउ थरे कहि दउ छी एंगेल ए एंड एंगेल बी होची एक्यूट एंगल्स तो सी जदी 90 डिग्री हुए आ दुटा एंगेल ए आ बी निश्चित रूपे 90 डिग्री रु कम हेतिबो बा एक्यूट एंगल हेतिबो तेबे हम कोन करबा को सॉल्व करबा तो हमको क्वेश्चन ने गिवन कोन देला cos a इज इक्वल टू cos b लिख देबा cos a इज इक्वल टू cos b एटा देला गिवन बोली हमें लिख देबा ठीक अछि तो फर्स्ट टाइम देखिबा cos a एठी कोन होबो एटा जदी हमें नबा cos रो अर्थ होउछि कोन b / h एंगल ए को जदी हमें एंगल ए रो जदी cos काढिबा तो बेस हि जीवो हमरो ac आ h रो हाइपोटेन्यूज सबले ए बी ही रहइबो तले एठी जदी हमें cos a काढिबा cos a हि जीवो b / h तो b होउछि कोडा एठी हि जीवो ac आ h हि जीवो ab तो cos a जगह हमें कोन लिखि दे परबा ac / ab सिमिलरली नेक्स्ट होउछि cos b b रो जदी हमें cos काढिबा तो cos रो अर्थ होउछि b / h तो आरो दुटा एडजेसेंट साइड हैला गोटे हैला bc आ गोटे हैला ab तो हाइपोटेन्यूज कोनोसी चेंज होबो नै तो एठी बेस हि जीवो bc आ h को h रहइबो ab तो cos b हि जीवो bc डिवाइडेड बाय ab तो एठी हम कोन करबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करबा नले ab को ab डायरेक्ट कैंसिल मध्य कर परबा तो बुझेबा पई ठीक लिखि दउछि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले ab इनटू AC is equal to AB into BC. तो एटी रहला AB into AC एपट AB टा मल्टीप्लाई हेची एपट कासले कोन होबो ना डिवाइड हे जीवो is equal to BC AB को AB कैंसिल हे गेला वर्तमान हम पाकर रहला AC is equal to BC तो एटी गोटे जिनस हम देखो जदि एसी इज इक्वल टू बीसी हला हमें 9th क्लास रे गोटे थ्योरम करिचे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल तो एटी बीसी रे अपोजिट एंगल कोटा हला एंगल ए आउ एसी रे अपोजिट एंगल कोटा हला एंगल बी तो एटी हम लिख परबा नै इंप्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आ रीजन रे लिख देबा एंगल opposite to equal sides are equal और साइड लिख दो भाई सीधे इतना show that तो हमें ये show कर देंगे ना angle A is equal to angle B